हमारी जो किडनी है वो 80 से लेके 180 तक के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे ठीक से काम कर रही होती है, उसको रेंज मालूम है, इतनी रेंज पे वो सब कुछ बैलेंस कर लेती है। यदि इसके ऊपर नीचे बॉर्डर जाएगा तो किडनी शट ऑफ कर, किडनी में डैमेज होने का संभावना है, बढ़ जाता है। फिर ये भी कहा था कि इतना चूंकि इतना कम अंतर है इसलिए GFR को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। यदि GFR को क्लोजली मॉनिटर नहीं किया गया ना तो किडनी कभी भी बंद पड़ सकती है। किडनी पर सबसे गंभीर असर डालने वाली दवाएं होती है NSAIDs, ठीक है। अब ये क्या, ये दवाएं होती है ब्रूफेन, ठीक है, नेप्रोक्सेन, नेक्स्टम जो आती है, ठीक है, डिक्लोफेनेक सोडियम, जितनी दवाएं आप एनाल्जेसिक के रूप में खाते हैं ना, ये दवाएं कभी भी किडनी को शट ऑफ कर सकती। किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से कि एक दिन वो दवा ट्रिगर की, बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं की ठीक से उसको, दे कैन शट ऑफ किडनी एट एनी टाइम। इसीलिए डॉक्टर्स आपको जनरली जो है एनाल्जेसिक कम देते हैं, या आजकल डॉक्टर क्या करते हैं कि वो डोलो, पैरासिटामोल ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जो दर्द को कम तो करती पर पूरा गायब नहीं करती। वो हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पर जाके बोलते हैं कि भैया दर्द की एक अच्छी वाली दवा दे, उठा के देता है एनएसएट्स, ठीक है, एसोलोफेनेक, डिक्लोफेनेक कॉम्बिनेशन में दे देगा उठा के, ठीक है, ताकि जल्दी से आपका दर्द चला जाए। और यू आर वेरी हैप्पी कि उसने हमको एक डोज दिया ठीक हो गया, उससे डॉक्टर के पास आते तो दो दिन की दवा खिलाता ना ऐसा ना वैसा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट टर्म आउटकम और लॉन्ग टर्म आउटकम में डॉक्टर को हमेशा लॉन्ग टर्म आउटकम देखने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जनरली बहुत जिनको थोड़ा बहुत भी किडनी का इशू हो उनको कभी भी ये एनएसएड्स ऐसी दवाएं इनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बगैर डॉक्टर की सलाह के वो दवाएं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दवाएं कभी भी जो है रिनल शट ऑफ कर सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति है, हेल्दी किडनी है, तो वो दवा ले ले तो उसको किडनी उसकी बैलेंस कर लेगी उसको वो। लेकिन फिर वही वाली बात मैंने आपसे कहा ना कि यदि थोड़ा भी समस्या है तो मेडिकल कंसल्टेशन, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, इतनी सारी पढ़ाई, एक आदमी पूरा जिंदगी लगा दिया, 10-15 साल पढ़ा केवल किडनी को जानने के लिए, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट तो पूरा वही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक, तो कुछ तो होता होगा उसमें। तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं एक बड़ा अच्छा सा मैंने किस्सा पढ़ा था, तो मैं आपको भी बताऊंगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे क्या करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में फ़र्क होता है, ठीक है। समझदार आदमी जो होता है ना वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है, वो ठीक है, समझदार आदमी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब होता है कि वो पहले पूरा प्रोस एंड कॉन्स देखेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि मुझे करना क्या है। एक औसत बुद्धि का व्यक्ति जो होता है वो हमेशा जो है वो रिएक्ट करता है, और रिएक्शंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव वे में होता है, ठीक है। एक किस्सा मैंने आज सुबह जो है अपने मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में बोला था, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक रेस्टोरेंट में क्या होता है कि एक कहीं से कॉकरोच आता है, रेस्टोरेंट में लोग बाग बैठे होते हैं, गर्ल्स का एक ग्रुप बैठा होता है, ठीक है, कॉकरोच आता है उड़ के तो किसी के शोल्डर पर जाके बैठाता है, दूसरा को ज्यादा कॉकरोच बैठा इतना बड़ा, तो एकदम चीखने के साथ वो उसको हटाती कॉकरोच को, तो कॉकरोच उड़ के दूसरे किसी के पास जाके बैठ जाता है। अब वो जहाँ हो जिसके पास जाके गिरता है ऊपर कपड़े में, वो घबरा जाता है एकदम, ठीक है, वो चीखता है कि क्या है ये, पूरे जो है वो रेस्टोरेंट में एकदम हड़कंप मच जाता है। फिर वो कॉकरोच को कोई हटाता है तो वो जो वेटर खड़ा होता है वेटर के पास जाके बैठ जाता है, वेटर रिस्पॉन्ड नहीं करता, शांति से खड़ा रहता है, धीमे से एक रुमाल लेता है, नैपकिन लेता है, हाथ डंडा पकड़ के उसको कॉकरोच को रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देता है। अब उस रेस्टोरेंट में पूरा हड़कंप मचा, जो उठा पटक जो हो गई, जो शोर मच गया, क्या कॉकरोच ने मचाया है, लोगों ने मचाया, क्योंकि लोगों ने पहले रिएक्ट किया, रिफ्लेक्स नहीं किया, किसी ने कॉन्शियस नहीं किया, किसी ने सब कॉन्शियस नहीं किया, पर रिएक्ट किया, लोगों ने रिएक्ट किया। लेकिन वो वेटर जो है वो क्यों नहीं शोर मचाया, क्यों उसने कॉकरोच को पकड़ के बाहर कर दिया, क्योंकि उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने रिस्पॉन्ड किया, रुका, थमा, पकड़ा और बाहर कर दिया, ठीक है। तो जो लोग जो है वो लाइफ में अच्छा अचीव करना चाहते हैं वो हमेशा चाहे कोई कंडीशन हो दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड कभी भी इमीडिएट नहीं होता है, ठीक है, वो रुक कर होता है, ठीक है, एनालाइज करने के बाद होता है। नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, अरे क्या हो गया ये, तो हमने अब अगला टेस्ट, ये है रिएक्शन, क्यों बता रहे ऐसा, फिर एक बहाना ढूंढेंगे कि पेट का दर्द था, ऐसा था, वैसा था, अटके, ठीक है, दिमाग में काउंटर करंट काम कर रहा है, इधर से पढ़ते हैं, इधर से निकल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब तो समस्या ये है कि अब ये है, ये
रिस्पॉन्स कहाँ होता है कि यदि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं मेरे, तो मैंने यदि मान लो केमिस्ट्री में मेरे को सफाई के नंबर 5 सर देंगे, नहीं दिए सर ने नंबर, ठीक है, सब खाली छोड़ के आए, ठीक है, तो क्यों छोड़ के खाली आए? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको नहीं बन रहा है तो यू शुड गो टू टीचर, भैया सर हमको तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा हमको, तो टीचर आपसे बोलेगा भैया कि तुम पहले 2 का पहाड़ा सुना दो हमको, तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सच तो यह है कि आप जो है ना टाइगर के बच्चे को शिकार करना सिखा सकते हैं आप, ठीक है, चूहे को नहीं सिखा सकते आप, पहले तो टाइगर अंदर से होना चाहिए, मेरी जिद है कि मुझे करना है, जब करना है तो फिर उसके लिए तरीका बताना है, क्योंकि कोई भी सीख के नहीं आया, कोई बाइबल थोड़ा सीखा हुआ कोई आदमी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं कि आप यदि जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह सकते हैं आप, ठीक है, आप लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में आपका मोबाइल फोन में वहां चूंकि फ्री वाईफाई है और वहां जाके आप नेटफ्लिक्स से मूवी देखते हैं 3 घंटा शांति से, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मूवी देखी क्या किया, ठीक। तो आप किसी और का बुरा नहीं कर रहे, आपका कोई दुश्मन दुनिया में है ही नहीं है और किसी की औकात भी नहीं है, क्योंकि तुम ही अपने दुश्मन हो, तुमसे बड़ा एनिमी कोई है नहीं दूसरा, यू आर दी ओनली एनिमी जिसके जिसको किसी और शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है, शत्रु उस आदमी का होगा जो खुद अपना पहले मित्र होगा और कोई उससे जलन रखेगा तो वो उसका शत्रु होगा, लेकिन जब हम ही अपने साथ में विनाश काल विपरीत बुद्धि अपन मान के चले कि अपने को ही करना है, ठीक है, होशियार हम, हमें क्लास भी नहीं करनी, हमें जे भी नहीं करना, प्रैक्टिस भी नहीं करना, डीएमटी भी नहीं लगाना, ठीक है, तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं, क्योंकि तुमको शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है। आपको टेस्ट से ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमिंटस का रिवाइंड टेस्ट से ज्वाइन कीजिए, वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं, लेकिन आपको यह अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।